ऑनलाइन की डिमांड पर बहुत ही अच्छा टॉपिक कवर करने वाले हैं आज इस सेशन में, मल्टीप्लेक्सर एंड डी मल्टीप्लेक्सर एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के वीडियोस को बहुत सारा प्यार और बहुत सारा सपोर्ट आपके द्वारा दिया जा रहा है, जो मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है कि मैं और वीडियो बनाऊं। तो इसी तरीके का सपोर्ट और प्यार हमें देते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम देखने वाले हैं मल्टीप्लेक्सर एंड डी मल्टीप्लेक्सर। तो मल्टीप्लेक्सर, जैसे कि हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि मल्टीप्लेक्सर यानी बहुत सारे, मल्टी यानी बहुत सारे सिग्नल्स को एक साथ मिक्स करके और फिर सेंड करना कम्युनिकेशन चैनल पर, ठीक है। तो यहाँ पर डीमल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सर का जो काम होता है वो एक रिवर्स काम होता है। मतलब मल्टीप्लेक्सर क्या करता है कि उसके पास बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं और उसे एक चैनल से कैसे भेजा जाए अलग अलग सिग्नल्स को, वो डिसाइड करता है। और डीमल्टीप्लेक्सर जो है वो रिसीवर एंड पे ये डिसाइड करता है कि जब मेरे पास एक सिग्नल्स आया है तो मैं उसे मेनी में कैसे कन्वर्ट करूँ, मतलब कि उसमें से कौन सा, ये जो पर्टिकुलर डी मल्टीप्लेक्सर होगा वो वन टू मेनी पे काम करेगा और ये जो हमारा मल्टीप्लेक्सर होगा वो मेनी टू वन पे काम करेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लेक्सर किस पे काम करता है, मेनी टू वन थीम पर काम करेगा और ये वन टू मेनी, मतलब ये डेटा हमारे पास बहुत सारे डेटा हैं, उसको किसमें से कौन सा, ये हमारे पास सपोज एक एग्जांपल लेती हूँ मैं, ये हमारे पास कम्युनिकेशन चैनल है, और हमारे पास नंबर ऑफ सिग्नल्स हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है कि एक ही चैनल के द्वारा इन सारे सिग्नल्स को क्या है, इसमें से सेंड किया जाएगा रिसीवर की तरफ। ये हमारा सपोज ये एक हमारे रिसीवर है और ये हमारा एक सेंडर है, ठीक है। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लेक्सिंग अप्लाई करेंगे सेंडर के साइड। सेंडर के साइड मल्टीप्लेक्सिंग जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारा जो मल्टीप्लेक्सर डिवाइस होगी, जो हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लॉजिक गेट्स के द्वारा बनाते हैं, जो हम अभी देखेंगे कैसे बनाते हैं, तो उसका काम क्या होगा कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट जो डेटा आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो सिग्नल्स आ रहे हैं, उसमें से किस सिग्नल्स को एट ए टाइम, तो एक ही सिग्नल्स इस पे जाएगा, ठीक है, या ये जाएगा, ठीक है। तो एट अ टाइम सिर्फ एक ही सिग्नल्स यहाँ पे जाएगा, लेकिन कॉमन चैनल है, कहने का मतलब ये है कि चैनल कॉमन है, ठीक है, कॉमन चैनल रहेगा, एट अ टाइम कोई एक ही सिग्नल जाएगा। अब ये सिग्नल कौन सा जाएगा, किसकी बारी होगी, उसके लिए हम यूज करेंगे सिलेक्शन लाइन का, ठीक है। सिलेक्शन लाइन का यूज करेंगे जो ये डिसाइड करती है कि कौन से सिग्नल्स को अधिकार मिलेगा कि वो इस कम्युनिकेशन चैनल से जाए, ठीक है। जो हमारा मल्टीप्लेक्सिंग का कॉन्सेप्ट है वो हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में, कंप्यूटर मेमोरी में, टेलीफोन नेटवर्क में उपयोग होता है। टेलीफोन नेटवर्क एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जो आसानी से हमें समझ में आ सकता है, जहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग की जाती है, बहुत सारे सेंडर होते हैं, बहुत सारे फोन कॉल होते हैं, और किस फोन कॉल को प्राथमिकता दी जाए, प्रायोरिटी दी जाए, ये मल्टीप्लेक्सिंग के द्वारा डिसाइड किया जाता है कौन सा सिग्नल्स को के एज अ मतलब चैनल पर रखा जाएगा और वो रिसीवर साइड पहुंचेगा, ठीक है। तो इसका हम पूरी फंक्शनिंग अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लॉजिक गेट्स के द्वारा देखेंगे। लॉजिक गेट्स के द्वारा जो सर्किट बने होते हैं वो कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाए लॉजिक गेट्स के द्वारा जो सर्किट बने होते हैं वो कॉम्बिनेशनल सर्किट की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें कोई फीडबैक एलिमेंट नहीं होता है, वो कॉम्बिनेशनल सर्किट की कैटेगरी में आते हैं। इसके पहले जो मैंने वीडियो लेक्चर अपलोड किया उसमें मैंने कॉम्बिनेशनल और सिक्वेंशियल सर्किट के बारे में अच्छे से बताया है। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जो भी आप चैनल पर हमारे वीडियोस लेक्चर देखते हैं उनको सिक्वेंशियली यदि आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से टॉपिक आपको समझ में आते जाएंगे, तो प्लेलिस्ट पे जाके आप सिक्वेंशियली इन्हें देख सकते हैं। तो बात हो रही थी यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर की, तो हम यहाँ पर पहले मल्टीप्लेक्सर को समझेंगे और फिर डी मल्टीप्लेक्सर को समझेंगे कैसे इसका डिजाइनिंग की जाती है लॉजिक गेट के द्वारा, है ना। तो यहाँ पर हम पहले इसका ब्लॉक डायग्राम बना लेते हैं मल्टीप्लेक्सर का। ये हुआ हमारा मल्टीप्लेक्सर का ब्लॉक डायग्राम, यहाँ पे थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं, 2n इनपुट लाइन है सपोज हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पे एक आउटपुट हमें मिलेगा 12, ठीक है।
और इसके पास होंगी सिलेक्शन लाइन, ठीक है, एंड सिलेक्शन लाइन, मतलब ये जो पावर होती है, सपोज हमारे हमने बनाया 2x1 मल्टीप्लेक्सर, फिर 4x1 और 16x1, ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लेक्सर हमारे पास अवेलेबल हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो पावर होती है 2 की पावर में अगर इसे एक्सप्रेस करें, तो ये जो पावर होती है उसके हिसाब से सिलेक्शन लाइन होती है, मतलब इस ये वाला अगर हमारा मल्टीप्लेक्सर है 2x1 का, तो इसमें 1 सिलेक्शन लाइन होगी, 4x1 का है तो इसमें 2 सिलेक्शन लाइन होगी, 8x1 का है तो इसमें कितनी होगी, 3 सिलेक्शन लाइन होगी, और 16x1 का है तो इसमें कितनी सिलेक्शन लाइन होगी, 4 सिलेक्शन लाइन होगी। 2n इनपुट लाइन है तो हमारे पास n सिलेक्शन लाइन होगी, और आउटपुट हमारे पास क्या मिलेगा, एक ही मिलेगा, दैट इज y0। अब ये y0 d1 भी हो सकता है, d2 भी हो सकता है, अगर आपने d1 d2 से स्टार्टिंग की है, d0 से भी कर सकते हैं, ठीक है, d3 भी हो सकता है, तो इस तरीके से भी कोई सा भी आउटपुट हो सकता है। कैसे हो सकता है, कौन सा होगा, वो हम अभी डिजिटल सर्किट के थ्रू देखेंगे। तो मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है, अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो यहाँ हम कह सकते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कि मल्टीप्लेक्सर एक ऐसा कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है जो कि कई सारे इनपुट्स में से एक इनपुट को सिलेक्ट करता है एज अ आउटपुट। इसका काम होता है कि एक ही कॉमन चैनल पर बहुत सारे जो हमारे इनपुट हैं या बहुत सारे डेटा हैं, उनको डेटा को सिलेक्ट करके और आउटपुट में दर्शाना। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये एज अ डेटा सिलेक्टर के रूप में भी काम करता है, ठीक है। अब इसका लॉजिक सर्किट अगर हम बात करें कैसे काम कर रहा है, तो हमने इसका ब्लॉक डायग्राम देख लिया, अब हम इसका लॉजिक डायग्राम देखते हैं कैसे लॉजिक गेट के थ्रू हम इसे बना सकते हैं। फोर क्रॉस वन का हम ले रहे हैं अभी यहां पर, मतलब ये हो गया 2x2 × 1, यानी 2 सिलेक्शन लाइन, ठीक है, ये हमने डिसाइड कर लिया कि इसमें 2 सिलेक्शन लाइन होगी। अब ऐसे इसे कैसे डिजाइन करना है, आपको 4x1 है तो आपको 4 क्या ले लेना है, एंड गेट लेना है, ठीक है, और इन एंड गेट को आप कंबाइन करेंगे एक और गेट में। अगर आपने लॉजिक गेट वाला वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर उसको देख लीजिए, ठीक है। अब इस एंड गेट में इनपुट क्या होगा, एक तो हमारे होंगे D0 से लेके D1, D2, D3, ये 4 हमारे इनपुट हो गए, ठीक है। अब सिलेक्शन लाइन होगी, 2 सिलेक्शन लाइन होगी, अब हमारे पास 2 सिलेक्शन लाइन होगी, इनको हम C0 C1 या S0 S1, जो भी नाम देना है आपको, C0 C1, ठीक है, ये नाम दे दिया आपने सपोज, तो यहाँ पे आ जाएगा C0 का नॉट और यहाँ पे आ जाएगा C1 का नॉट। क्यों हमें ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि ये जो सिलेक्शन लाइन है इनका जो कॉम्बिनेशन होता है 0 0 0 1 1 0 1 1, यही डिसाइड करता है कि कौन सा जो एंड गेट है वो एक्टिव रहेगा और एज अ रिजल्ट y0 क्या आने वाला है, ठीक है। तो इसका हमें नॉट लेना पड़ेगा, और मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट भी लेना पड़ेगा एज अ सिग्नल, और बिना कॉम्प्लीमेंट भी एज इट इज सिग्नल भी हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आपको कौन सा सिग्नल भेजना है, C0 C1 का, C0 C1 के आप कॉम्बिनेशन लिख लीजिए 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो सबसे पहले आप भेजेंगे 0 0 0 0, मतलब C0 का कॉम्प्लीमेंट और C1 का कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको सेंड कर दीजिए,
C0 का और ये C1 का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो पहला गेट है ना, उसमें क्या आ रहा है, D0 आ रहा है, C0 का कॉम्प्लीमेंट और C1 का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, एंड गेट। इसमें क्या आ रहा है, D1 आ रहा है, D1 का सिलेक्शन कब होगा, जब C0 का कॉम्प्लीमेंट होगा और C1 सिग्नल होगा, तो 01, तो 01 यहाँ पे ले लेते हैं, C0 को यहाँ ले लेते हैं कॉम्प्लीमेंट इसका और इसका बिना कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। तो ये हो गया C0 का डैश और C1, ठीक है, और इसके साथ आ रहा है D1। फिर ये है 0001 हो गया, ये 10 हो गया, ये D0 को सिलेक्ट करेगा, ये D1 को, ये D2 को और ये D3 को, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन D3 को सिलेक्ट करेगा। D2 को कौन सिलेक्ट करने वाला है, 10, तो D2 के साथ हमें 10 लेना है, 1 मतलब C0, यहां से ले लेते हैं 1, ठीक है, और 0 मतलब C1 का डैश, तो C1 का डैश यहां से ले लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा D2 C0 C1 का कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब यहां पे D3 आ रहा है, D3 कब एक्टिव होगा, जब C0 C1 1 1 है, मतलब C0 का 1 ले लीजिए आप और C1 का 1 ले लीजिए। मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि हमें लॉजिक सर्किट कैसे डिजाइन करना है, क्योंकि ये जो सिलेक्शन लाइन का कॉम्बिनेशन होता है, बस ये ही डिसाइड कर देता है कि कौन सा जो हमारा डेटा है वो यहाँ पे मिलेगा। Y0 में आखिर D0 आएगा या D1 आएगा या D2 आएगा या D3 आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब C0 और C1 की वैल्यू कितनी है, 0 0, C0 और C1 की वैल्यू कितनी है, 0 0, यहाँ से गया 0 0, तो एज इट इज यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 1, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट होके क्या आएगा, 1 1, और D0 तो एक्टिव था ही, मतलब D0 क्या था, 1 था। तो हमें पता है जब एंड गेट में, जब एंड गेट में ऑल 1 होते हैं तो हमें आउटपुट क्या मिलता है, आउटपुट हमें क्या मिलता है, 1, ठीक है। मतलब इस समय जब C0 और C1 जो है वो 0 0 है, तब D0 एज अ आउटपुट मिलेगा, मतलब Y0 में क्या आ जाएगा, D0 हो जाएगा, बाकी सब में क्या हो जाएगा, आउटपुट हमें 1 नहीं मिलेगा। चेक कर लीजिए, यहाँ पर 0 0 आया है ना, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन आया था, ये 0 0 सिग्नल आया, ये 0 से ये तो आया क्या हमारे पास, C0 का डैश, मतलब कि क्या आ गया, 1 आ गया C0 में, और इसमें क्या आ गया, C1, C1 में क्या आ गया, 0 आ गया, और D1 में क्या था, 1। अब इसका एंड ऑपरेशन करेंगे तो क्या 1 आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये भी इनेबल नहीं रहेगा, ये भी इनेबल नहीं रहेगा, जब C0 और C1 में 0 0 सिग्नल भेजेंगे, तब सिर्फ हमारा कौन सा इनेबल होगा, ये वाला एंड गेट, फर्स्ट वाला एंड गेट हमारा इनेबल रहेगा, बाकी सारे एंड गेट हमारे क्या होंगे, डिसेबल रहेंगे। तो एज अ आउटपुट हमें क्या मिलेगा, Y0 में D0 मिलेगा, मतलब हमारे पास मेनी इनपुट थे और हमने डिसाइड कर लिया सिलेक्शन लाइन के द्वारा कि कौन सा इनपुट एज अ आउटपुट हमें मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से यदि आप 0 1 सिग्नल भेजते हैं सिलेक्शन लाइन में, 0 और यहाँ पे 1, तो अब सिलेक्ट होगा D1, बाकी सब जो है वो डिसेबल रहेंगे। इसको एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ, यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम एक D1 के लिए लेके समझ लेते हैं। D1 में क्या है, 1, C0 में क्या आ गया है आपका, यहाँ पे आया 0 और यहाँ पे आप क्या ले रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1, ठीक है। और C1 में क्या है आपका, 1 है, तो 1 और 1 सब में क्या है, 1 1 1, मतलब ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ठीक है, ये एक्टिव रहेगा, बाकी सारे क्या रहेंगे, डीएक्टिव रहेंगे। मतलब जब हमारा सिलेक्शन लाइन 0 1 रहेगा, तब आपका सिलेक्शन किसका होगा, D1 का होगा। इसी तरीके से जब हमारी सिलेक्शन लाइन में 10 रहेगा, तो हमारा आउटपुट D2 रहेगा, और हमारी सिलेक्शन लाइन में 1 1 रहेगा, तब हमारा आउटपुट D3 रहेगा। तो ये इसकी होती है फंक्शनिंग। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है कैसे लॉजिक सर्किट बनाना और कैसे आपको समझाना है। ऐसे ही हमें समझाना रहता है, एक आध एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि सिलेक्शन लाइन में जब 0 0 होता है तो यहाँ पे कौन कौन से इनपुट दे रहे हैं, तो कौन सा गेट एक्टिव रहेगा और बाकी सब जो है वो डीएक्टिव रहेंगे, तो एज आउटपुट हमें D0 मिल जाएगा। इसी तरीके से हम एक्सप्लेन
कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने समझा इसको हम ट्रुथ टेबल में आसानी से बना सकते हैं, ठीक है, ये हमारा ट्रुथ टेबल हो जाएगा। एक बात और यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं कि हमारा जो वाई जीरो आउटपुट है, जो कि हमने समझा वाई जीरो यहाँ पे और गेट है और यहाँ पे क्या है, सारे एंड गेट है। तो वाई जीरो का जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है वो किस तरीके से दिया जाएगा, वाई जीरो इक्वल टू ये सारे हमारे एंड गेट के जो हमने दिए हैं इनपुट, ये सारे हम लिख लेते हैं। यहाँ पे एंड गेट है तो डी जीरो सी जीरो डैश सी वन डैश, ठीक है, प्लस, क्योंकि ये और गेट है तो ये एंड गेट क्या करता है हमारा, मल्टीप्लाई देता है, यानी हमने सबको मल्टीप्लीकेशन में लिख लिया। और गेट क्या देता है, प्लस, तो ये हमने क्या किया, प्लस साइन यहाँ पे लगा लिया। फिर यहाँ पे हो जाएगा डी वन, दूसरा एंड गेट आ जाएगा हमारा सी जीरो डैश सी वन, ठीक है, इसी तरीके से प्लस तीसरा एंड गेट क्या है, डी टू सी जीरो सी वन डैश, ठीक है, इसी तरीके से लास्ट वाला है प्लस डी थ्री सी जीरो सी वन, ठीक है। तो ये हमारी लॉजिकल एक्सप्रेशन हो गई और ये हमारा हो गया ट्रूथ टेबल, जो कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी समझ चुके हैं। चलिए तो अब देख लेते हैं डी मल्टीप्लेक्सर के बारे में। सबसे पहले हम इसका ब्लॉक डायग्राम बना लेते हैं। इसका ब्लॉक डायग्राम इस तरीके से बन जाएगा डी मल्टीप्लेक्सर का। यहाँ पर हमारे पास एक ही इनपुट लाइन होगी और बहुत सारी आउटपुट लाइन होगी, वन टू मैनी, इसे हम डेटा डिस्ट्रीब्यूटर भी कहते हैं, उसे हम डेटा सिलेक्टर कहते थे, ठीक है, मल्टीप्लेक्सर। और यहाँ पर सिलेक्शन लाइन होगी, सिलेक्शन लाइन कितनी होगी ये डिसाइड करेगा, जो हमने देखा था वन क्रॉस फोर है अगर, तो टू की पावर कितना हो जाएगा, टू, तो यहाँ पे टू सिलेक्शन लाइन होगी, यानी वन टू की पावर एन अगर हमारा डी मल्टीप्लेक्सर है टाइप का, तो यहाँ पर एन सिलेक्शन लाइन होगी, ठीक है, एन सिलेक्शन लाइन होगी। तो ये हो जाएगा हमारा ब्लॉक डायग्राम। यहाँ पे हम इनपुट दे देते हैं, ये इनपुट लाइन है हमारा, डी ले लेते हैं, बहुत सारे तो है नहीं इसलिए कॉमन डी ले लिया, और यहाँ पे आउटपुट हो गई वाई जीरो वाई वन वाई टू इस तरीके से वाई एन, ठीक है। अब सिलेक्शन लाइन ये डिसाइड करेंगी कि यहाँ पे वाई जीरो है या वाई वन है या वाई टू है या वाई एन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी फंक्शनिंग को समझते हैं। सपोज हमारे पास जो है वन क्रॉस फोर का डी मल्टीप्लेक्सर है ना, तो इसे कैसे डिजाइन करना है आपको, फिर से एंड गेट बना लीजिए, फोर है तो फोर आपने यहां पे एंड गेट बना लिए, राइट, ये आपके फोर एंड गेट हो गए। इसको आपको, चूंकि ये डेटा डिस्ट्रीब्यूटर है, तो यहाँ पे वाई जीरो वाई वन वाई टू वाई थ्री ये आपके आउटपुट हो जाएंगे। एक ही डेटा है आपके पास, ये इसमें भी जाएगा, ठीक है, ये इसमें भी जाएगा, ये इसमें भी जाएगा, ये इसमें भी जाएगा डेटा, राइट। फिर आती है बारी सिलेक्शन लाइन की, तो ये हो गई हमारी सिलेक्शन लाइन, दो सिलेक्शन लाइन होगी, ठीक है, इसका नॉट यहाँ ले लेते हैं और इसका नॉट यहाँ ले लेते हैं। पर हमारा सी जीरो सी वन हो गया और ये इसका नॉट हो गया, ठीक है। अब जीरो जीरो पे हमें क्या करना है, इसे कंबाइन करना है, तो यहां से ले लीजिए जीरो और ये हो गया जीरो नॉट, यानी सी जीरो का कॉम्प्लीमेंट सी वन का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यहाँ पे सी जीरो सी वन के कॉम्बिनेशन जीरो 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 वन वन जीरो वन वन। जीरो जीरो पे हमें मिलेगा वाई जीरो, इस पे मिलेगा वाई वन, इस पे मिलेगा वाई टू, इस पे मिलेगा वाई थ्री, ठीक है। फिर यहां पर देख लीजिए क्या लेना है हमें, जीरो वन, इसका जीरो मतलब नॉट और इसका वन, ठीक है, मतलब ये हो गया हमारा सी जीरो का कॉम्प्लीमेंट और सी वन, और डी तो आ ही रहा था, ठीक है, ये हो गया वन जीरो, वन यानी सी जीरो, ये आ गया यहाँ पे सी जीरो। फिर जीरो, जीरो मतलब यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो ये हो गया हमारा C1 डैश, ठीक है। Y3 में क्या लेना है, 1 1,
यानी कि C0 का 1 और C1 का 1 ठीक है, C0 C1, और ये D तो आई रहा था। तो यहाँ पर हम जो फंक्शन हमने मल्टीप्लेक्सिंग में समझी थी वैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, एंड गेट का आउटपुट हमें कब 1 मिलता है, जब उसके सारे इनपुट 1 हो। तो सारे इनपुट 1 है मतलब 0 0 पे, यहाँ पे यदि आप 0 0 भेजेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा। ये देखिए 1 1 आ गया, और ये D तो हमारा एक्टिव था मतलब D में 1 था, तो आउटपुट क्या मिल जाएगा हमें, Y0 ठीक है। बाकी जगह पे क्या मिलेगा, 0, क्योंकि आपने 0 भेजा, यहाँ पे आप आए 0 के बाद आपको क्या मिल गया यहाँ पे 1, और C1 में क्या मिल गया आपको, C1 में मिल गया 0, और ये D तो था यानी 1, तो ये 1 1 0 का कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। बाकी सभी जगह क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे, मतलब कि ये जो है एक्टिव नहीं रहेगा। और इस समय जब C0 C1 में 0 0 है, सिर्फ एक्टिव हमें कौन सा गेट मिलने वाला है, पहला वाला, यानी आउटपुट हमें क्या मिलेगा, Y0 मिलेगा। 0 1 में आउटपुट क्या मिलेगा, Y1 मिलेगा। 1 0 में आउटपुट हमें मिलेगा Y2, और Y3 में आउटपुट हमें, सॉरी 1 1 जब सिलेक्शन लाइन होगी तब हमें आउटपुट क्या मिलेगा, Y3 मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा डीमल्टीप्लेक्सर काम करता है, एक हमारे पास इनपुट रहता है, जाहिर सी बात है कि ये जो काम करेगा डीमल्टीप्लेक्सर वो रिसीवर एंड पे करेगा, जहाँ पे हमने मल्टीप्लेक्सिंग के द्वारा कई सारे सिग्नल्स को मर्ज करके सिर्फ एक ही सिग्नल भेजा था। तो अब ये कैसे डिसाइड करे कि कौन सा सिग्नल था, तो वो इस तरीके से लॉजिक सर्किट जो डिज़ाइन होगा तब कौन सी सिलेक्शन लाइन एक्टिव होगी, कौन सी डीएक्टिव होगी, उससे डिसीजन होगा कि कौन सा यहाँ पे सिग्नल्स आया है, Y0 आया है, Y1 आया है, Y2 आया है, या Y3 आया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने समझ लिया कॉन्सेप्ट हमारे मल्टीप्लेक्सर का और डीमल्टीप्लेक्सर का, इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ करिए शेयर, और बने रहिए ज़ीनत हसन एकेडमी।